What's up guys? Funny memes देखेंगे आज हम KKR versus GT के मैच के। भाई साहब इस मैच में भी मीम्स नहीं होंगे तो कहाँ मिलेंगे। जिस मैच में 5 छक्के मार दिए रिंकू सिंह ने, बवाल मचा दिया, ऐतिहासिक मैच को मजा आ गया सच में। बोल ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इंग्लिश में स्पेलिंग बता ऐतिहासिक की। हिस्टोरिकल स्पेलिंग बता, स्पेलिंग ये नहीं बता यार, लॉस्ट केस है। तने भाई की वीडियो है, देखते हैं क्या कुछ मामला है, क्या मिर्च मसाला है आज। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 लेट्स गो। भाई साहब अभी तक इंटरेस्टिंग मैच नहीं हो रहे थे और हुआ तो सारी चीजें एक ही मैच में हो गई। रिंकू सिंह के 5 छक्के, राशिद खान की हैट्रिक और विजय शंकर के 3 बॉल पे 3 छक्के। यहाँ मैं बेहोश हो गया यार, इसलिए वीडियो लेट हुआ। सबसे मजे की बात ये कि यश दयाल ने 2 दिन पहले ही रिंकू सिंह को उनके फोटो के नीचे विश किया था इंस्टाग्राम पे। ऑल द बेस्ट भाई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। रिंकू सिंह डोंट लाइक विशेस। मेरे को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं दी या फिर मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि हैप्पी न्यू ईयर पुनीत भाई। इतने झूठ मारूंगा उसके मुंह में, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा। अगर हैप्पी न्यू ईयर विश करना है तो 5100 रुपए के साथ करो। अब लोग रिंकू सिंह के कमेंट के नीचे, यश दयाल के कमेंट के नीचे उनके मजे ले रहे हैं। आई थिंक यार ने ही लूट लिया यार घर का, ये गांव उसी के मारना उसी के। देखा आपने ऑल द बेस्ट कहने का नतीजा, भाई को पेल दिया। ऑल द बेस्ट कौन कौन यहाँ, तनय भाई की स्टोरी देख के आया है। सालो मेरी क्यों बजवा रहे हो। यहाँ यश भाई समझ गए कि विश करने का ही नहीं रे बाबा किसी को। मैं तो कहता तुम भी रिंकू सिंह को जाके विश मत करने लगना। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फॉर योर 5 सिक्सेस, कहीं तुमको ना सूद दे। श्रेयस अय्यर भाई ने भी वीडियो कॉल में बात करी रिंकू सिंह से मैच के बाद। It's all about God's plan, man. यहाँ तक तो सब ठीक था, तारीफे वारीफे चल रही थी। Thank you. देख रहा था कि नहीं? Thank you, भाई। गड़बड़ कहाँ हुई पता है? कहाँ है तू? नीतीश राणा भाई ये नहीं पूछना था बस अय्यर भाई से कि तू कहाँ है, और अय्यर भाई ने भी कैसी बात चेंज करी जैसे ही पूछा कि कहाँ है। अरे झूठी बोल देते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में हूँ भाई, पर आप तो बात पलट दिए कि गूजबम्स आ रहे हैं। भाई हमें पता है कि आपको कहाँ से गूजबम्स आ रहे हैं। एक और इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है श्रेयस अय्यर के साथ, जहाँ पे अय्यर भाई बोल रहे हैं कि भाई तेको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इंटरव्यू वगैरह में क्या बोलेगा। पर उस पे जो रिंकू सिंह ने रिप्लाई किया, जब आप मजा आ गया। English. Confidence, man. In future, you. I confidence only in batting, no interview. No, but you have to be. सब अपने अपने क्रेडिट ले रहे बाबा 5 छक्के के। नीतीश राणा भाई चेन खुली की मेन खुली मूवी कितनी बार देख ली आपने। कह रहे हैं रिंकू सिंह जो बैट ले गया ना 5 छक्के मारने के लिए वो मेरा था। कौन सी बैट है ये? ये मेरा मैच बैट था, पहले दोनों मैच में इसी से खेला हूँ। पूरा T20 सैयद मुश्ताक अली से खेला हूँ। लास्ट ईयर लास्ट के 4 या 5 मैच इस बैट से खेला हूँ। आज मैंने बैट चेंज किया, रिंकू ने मुझसे बैट मांगा, मैं देना नहीं चाहता था, बट वो अंदर से कोई लेके आया ये वाला बैट और मुझे लग रहा था कि वो ये बैट पिक करेगा क्योंकि इसका पिकअप बहुत अच्छा है और ये थोड़ा लाइट है मेरे वेट के हिसाब से। ऐसा भी होता है, बहुत फर्क होता है। ये मेरा नहीं है, ले लिया उसने मुझसे। नीतीश राणा भाई इतना ही अच्छा बैट था तो आपने क्यों नहीं फिनिश कर दिया मैच। मजाक साट के आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली भाई। वैसे रिंकू भाई मैच के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, दिल जीत लिया। मतलब कहां से जीरो से लेकर आज कहां तक आना भाई, कितनी बड़ी बात है, सपना है ये। माय फादर स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, एवरी बॉल दैट आई हिट आउट ऑफ द ग्राउंड वाज डेडिकेटेड टू द पीपल हु सैक्रिफाइस्ड सो मच फॉर मी। रिंकू भाई के हमारे कुछ वीडियोस मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर करे तो उसको भी जरूर देखना, तुमको काफी मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज्यादा मजे आएंगे। 100 यही ओरिजिनल इकलौता टेलीग्राम चैनल, प्लीज फेक वाले को जाके मत सब्सक्राइब कर देना, यही चपना जिसपे अभी 88,000 कुछ सब्सक्राइबर्स है और आज 1 लाख भी हो जाए क्या पता। जिस टैग के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। बेचारे विज्जू भाई की किस्मत इतनी खराब है, कई सालों कई जन्मों के बाद तो 3 बॉल पे 3 छक्के मारे थे पर उसी मैच में रिंकू सिंह ने 5 बॉल पे 5 छक्के मार दिए। अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा बेचारे विज्जू भाई की इनिंग्स पे। सेम चीज हुई राशिद खान के साथ, उन्होंने हैट्रिक ले ली फिर भी मैन ऑफ द मैच कोई और ही ले गया। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मैच कितना तगड़ा हुआ था भाई। पर सबसे ज्यादा मुझे जो बुरा लग रहा है वो लग रहा है यश दयाल भाई के लिए, ऑलमोस्ट रोना ही आ गया था। इतना हाई इंटेंसिटी मैच भाई, ऊपर से 5 बॉल पे 5 छक्के खाने के बाद सोशल मीडिया पर हेट झेलना
आसान बात नहीं है। और मैं अपनी पब्लिक से यही बोलना चाहूंगा कि भाई कुछ भी जाके मत लिखना बुरा भला, बल्कि अच्छे से लिख देना कि यस भाई बातें चलती रहती है, जस्ट चिल, नेक्स्ट मैच में फिर से कमबैक कर लोगे अगर खिलाया तो। और यस भाई आपके लिए मेरा मैसेज, देखो जब स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे यूवी पाजी ने, वो टेस्ट का नंबर 1 बॉलर बन गया था। जब बेन स्टोक को छक्के पड़े ब्रेथवेट से, वो बेस्ट ऑलराउंडर बन गया था। क्या पता पाजी किस्मत ने आपके लिए भी कुछ लिखा हो। कर हर मैदान फतेह यश भाई। नेक्स्ट टाइम किसी को विश करने का मन करे ना भाई, मेरे को कॉल कर लेना, जितनी विशेष देनी दे दो। ये रिंकू सिंह ना विशेष वगैरह पे मारने लग रहा है, गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। वैसे एक बात सच्ची सच्ची बताऊं तुमको, आज का ये वीडियो भाई पॉसिबल ही नहीं था बनाना, आने ही नहीं वाला था, क्योंकि मेरे को जो बहक है ना भाई उठते ही नहीं बन रहा था, पता नहीं क्या हो गया। अभी पेन किलर वगैरह खा के जैसे तैसे वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, पर तुम लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट किया था यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे कि भाई रिंकू सिंह वाला वीडियो लेके आओ, लाने पड़ेगा ना भाई। पर जो डबिंग थी, मसाला था, वो सब रह गया वीडियो का। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाए अगर सब सही रहा तो, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा भी हो रहा है। पर जिससे पहले हम लोग यार दोस्तों तगड़े तगड़े मीम्स देखें, मामा देखें, आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। किसमें ताकत सबसे ज्यादा, रिंकू दादा, रिंकू दादा भाई परफेक्ट सीन है। और रसेल रग भी वैसे ही रहा है सेम यार, जो उसमें था ना मूवी में। जब हाथ में मैच हारने की स्क्रिप्ट दोगे तो मैं मैच खेलकर अपना कैप्टनसी रिकॉर्ड क्यों खराब करूं। वाह हार्दिक भाई, यू आर वेरी चालाक ब्रो, बेस्ट फिनिशर ऑफ इंडिया एंड एमएसजी। भाई ये ऐसे मीम्स इतने सारे बने ना, अभी तुम आगे चलोगे तो देखते जाओगे। केकेआर टू जीटी, ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, कैमरे में देख के हाथ हिला दीजिए। भाई ये केकेआर वाले प्रैंक ही कर रहे हैं सबके साथ, पहले शार्दुल ठाकुर ने कर दिया, अब रिंकू सिंह ने कर दिया, इसके बाद एक नरेन कर देगा, एक रसेल कर देगा, इनके पास सारे प्लेयर है। हु इज दिस गाय नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी विद रिंकूस फिनिश। भाई साहब चाचा ये लिए थे क्या थोड़ा सा, क्योंकि यश दयाल भी एक बार को खुश हो गया था भाई कि क्या खेला है प्लेयर, ये बंदा नहीं हुआ, इसको भाई कैंप से निकालो। Here is you see the god of cricket is Sachin Tendulkar, ये देखा ऐसे युवराज सिंह के साथ लगा देंगे। Here is the sixer king with युवराज सिंह। Priyan Parag, my inner conscience says I am hitting 4 sixes in an hour at some point this IPL. Rinku Singh today, मैं आज करके आया। यार Priyan Parag भाई बकचोदी कम किया करो, काम ज्यादा किया करो, पब्लिक बहुत गाली बकती है। Rinku Singh has promised he will hold the IPL trophy before a girl's hand. Lord Rinku Singh, ये होती है सकती। Rinku Singh ने पहले ही बोल दिया कि ब्रो पहले ट्रॉफी आएगी फिर लड़की। Lord Rinku Singh to Yash Dayal, हराम के पिल्ले तू है कौन, ये तो यश दयाल ने बोला होगा भाई रिंकू सिंह को कि तू है कौन, क्यों मार रहा है जबरदस्ती। बेन स्टोक्स, रिंकू मैन इफ समवन कैन रिलेट टू यश दयाल इट्स यू। बेन स्टोक्स बी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। और बेन स्टोक भाई यश दयाल को जाके आप ये सब मैसेज करो यार, उसको सपोर्ट की जरूरत है, आप तो जानते हो। राशिद खान सेलिब्रेटिंग हैट्रिक, लॉर्ड रिंकू सिंह क्या क्या हो गया भाई इस मैच में, कितना कवर करे बंदा। 3 छक्के मार दिए विजय शंकर ने, हैट्रिक ले ली राशिद खान ने, रिंकू सिंह ने 5 बॉल पे 5 छक्के मार दिए। अभी तक मूवमेंट नहीं हो रहे थे आईपीएल में, हुए तो सारे एक साथ ही हो गए। लुकी फर्ग्यूसन 149, शुभमन गिल साला बॉल फेंक रहा कि बम फेंक रहा, 48 रन नीडेड इन 18 बॉल्स, ये मैच तो कहीं सुनेला लगता है। विजय शंकर, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है भाई, सच्ची में यकीन ही नहीं हो रहा मैं कहता हूं। ठीक है, नीडेड 28 रन इन 5 बॉल्स, 66666 मी हु लेफ्ट जियो सिनेमा इन द लास्ट ओवर टू मेक नेक्स्ट मैच जियो 11। बहुत लोगों के साथ हुआ, सब अपनी टीम बनाने चले गए फैंटेसी क्रिकेट की और पता चला इधर कांड हो गए। राशिद खान विद हैट्रिक, रिंकू सिंह विद 5 सिक्सेस इन लास्ट ओवर, और विजय शंकर मेरे विज्जू भाई का क्या हुआ, कुछ नहीं। एसआरएस फैन वाचिंग राशिद खान हैट्रिक एंड विजय शंकर 3D गेम प्ले, जो गया एसआरएस से वो चमक रहा, रिमेंबर हिम, दिस इज हिम नाउ। इसके बाद पर बैट तो नीतीश राणा का था भाई, और नीतीश राणा क्या कर रहे हो उस बैट से, कुछ करो रन वन बनाओ, कल बनाए पर हालांकि अब 37 रन लेकर आना डिफेंड कर, रिंकू लेजेंड है भाई, 37 भी बना देंगे, इतना छक्का मारेंगे इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। रिंकू सिंह, ओ भाई ये नंगे हो, दूसरों को नंगा करते हैं ना। विजय शंकर आउटसाइड द सिलेक्टर्स ऑफिस, नमस्कार मैं अंदर आ सकता हूँ। ओडीआई वर्ल्ड कप एग्जिस्ट, अदर प्लेयर्स इंजर्ड, विजय शंकर इन्फॉर्म, हीरा लस्ट, रिंकू द किंग, लगता है भाई आपके प्यार में डूब गई है। ये भाई नकली अकाउंट है यार उसका, नहीं है वो, बस शमी भाई मर रही है। एवरी वर्ल्ड कप ईयर विजय शंकर भी लाइक, एक काम करता हूँ फॉर्म में आ जाता हूँ। विन परसेंटेज जीटी 100%, 0% से मैच जीता जब मन करे, इसीलिए तो लॉर्ड कहते हैं आप। 6666 मॉन्स्टर रिंकू, गैंग लेकर आने वाले को गैंगस्टर बोलते हैं, वो अकेला आता है वो मॉन्स्टर है। विजय शंकर की सब लोग देखते हुए, राइडू भाई, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर भाई नहीं देख रहे,
वो कहीं और ही बिजी हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, त्याग चुके हैं सब। गेट्स ऑन स्ट्राइक 666 बीसीसीआई सिलेक्टर सीइंग विजय शंकर बैटिंग, हम इस लड़के को जानते हैं भाई, प्लीज यार ये सिलेक्टर के मन में मत डालो। राइटू भाई आज 3D ग्लासेस लगा के बैटिंग नहीं देखी क्या? तो विजय शंकर ही है ना? नहीं भाई ये पता नहीं कौन है, यूसुफ पठान वगैरह की आत्मा आ गई क्या? तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सफाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। पहले तो भाई की बैक ठीक हो जाए जल्दी से। आज ना जैसे उल्टी टोपी और ये बियर्ड में बार बार देख, मतलब लुक बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से किया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो तू लग रहा है ये बात, मतलब ये। उल्टी टोपी और इसका फेस कट भी ना अभी थोड़ा ऐसे ही लग रहा है दाढ़ी वाली के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भाई, सबसे पहले तो बैक ठीक हो जाए और वीडियोस कंसिस्टेंट लाए करो। अब दिक्कत भी तेरे वाली है, बैक वाली। सबसे ज्यादा मजा आया मेरे को कि जो वो रिंकू के जितने भी वो बनाया था ना एक फन वे में और अच्छे मीम्स बनाया था, एक वो वाला कि विजय शंकर जब भी टूर्नामेंट आता है कोई वैसा वाला, तो आई एम बैक सेलेक्टर में अंदर आ सकता हूं। उसका जवाब मस्त था ना कि क्या बोला था, नो कॉन्फिडेंस फॉर इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस ओनली फॉर बैटिंग, ओनली फॉर बैटिंग। एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई, ऐसे ही बनता है एक प्लेयर और ऐसे मौके होते हैं करो या मरो वाली सिचुएशन, और वहां पर ऐसे ही वो कहते ना कि सुपरस्टार बनते हैं। मतलब जैसे उसके शॉट्स में कॉन्फिडेंस भी था, कॉन्फिडेंस वापस लगते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि जेन्युइन शॉट्स थे, बस मारना है गाइस। हां उसने बॉल को जज करके प्रॉपर तरीके से क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए थे और सच में माहौल सेट हुआ और मजा आया मैच देख के, एंड आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा। बहुत ही हैपनिंग, हैट्रिक भी हुई है भैया, वेशंकर ने भी रन बना दिए, यहां पर रिंकू सिंह भी परफॉर्म कर गए, केकेआर जीत गई, जज्बात बढ़ गए। और वो ये सोचना जिसने ड्रीम इलेवन पे गई होंगी टीम बनाने, उनने कहा कि मैच ड्रीम पे तो वैसे जीते ना जीते, यहाँ पर इतना रोमांचक क्या होता है, आप हाइलाइट्स देखते हो वो ठीक लगती है, लेकिन जब लाइव आपको पता ही नहीं क्या हो सकता है, वो मूवमेंट अलग ही होता है, वो अलग ही वाइब्स होती है, और उस चीज को जीने के लिए आपको इसलिए कहते हैं नेवर मिस अ मोमेंट जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि बस हाँ, क्योंकि क्रिकेट है ये, क्रिकेट में तो कहते हैं ना लास्ट बॉल, आज मेरा हिंदी वाला वर्ड क्रिकेट में अनिश अनिश्चितताओं, ढंग से बोल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्या बात है भाई, अनिश्चितता, अनिश्चितताओं का, अनिश्चितताओं तो इसके लिए इस बात पे तो लाइक जरूर कर देना। बाकी आपका फेवरेट मीम कौन सा है जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।